महोबा में सर्दी से बचाव को लेकर प्रशासन के आदेश पर आम लोगों के लिए 4 रैन बसेरे बनाए गए, लेकिन व्यापक व्यवस्थाओं से महरूम किसी रैन बसेरे में लेटने के लिए बिस्तर के इंतजाम ही नहीं, तो वहीं किसी रैन बसेरे में विवाह कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। महोबा नगर पालिका द्वारा शहर में 3 अस्थायी और 1 स्थायी रैन बसेरा बनाकर राहगीरों बेसहारों को ठंड से बचाव के लिए इंतजाम करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन रैन बसेरों की जमीनी हकीकत यह है कि रैन बसेरों में आने वाले लोगों के रुकने के व्यापक इंतजाम नहीं है। रैन बसेरे में लेटने के लिए बिस्तर और ओढ़ने के लिए गर्म कंबल तक मौजूद नहीं और मुसाफिर जमीन पर लेटने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं शहर के एक रैन बसेरे को तो निजी विवाह घर तक बना दिया गया, जहां शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। नगर पालिका के ईओ अवधेश कुमार पालिका की बेहतर व्यवस्थाओं का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि उनके द्वारा शहर में 3 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें एक पालिका के टाउन हॉल में बनाया गया है, जहां 100 बेड होने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में भी 20-20 बेड का रैन बसेरा बनाए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा डूडा विभाग द्वारा स्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, जहां आने वाले राहगीरों और बेसहारों को रुकने की व्यवस्था बताई जा रही है, मगर इसकी जमीनी हकीकत यह है कि जिस पालिका टाउन हॉल में 100 बेड के रैन बसेरे की नगर पालिका ईओ दावे कर रहे थे, वहां आज निजी विवाह कार्यक्रम चल रहा है, जबकि रैन बसेरे में विवाह कार्यक्रम करना नियमों के विपरीत है, क्योंकि उक्त स्थान पर आने वाले मुसाफिरों को यह व्यवस्थाएँ नहीं मिल पाएंगी, जिसके लिए रैन बसेरे जाने जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ 3 अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक नगर पालिका के टाउन हॉल में बनाया गया है, यहाँ पर 100 बेड की क्षमता है, बाकी बस स्टैंड पे 20 की क्षमता है, 20 बेड की, और एक रेलवे स्टेशन पे भी इतनी ही क्षमता का बनाया गया है, और दूसरा एक अस्थायी रैन बसेरे का व्यवस्था किया गया है, ये राठ रोड पर है, शेल्टर होम वहाँ पर डूडा के द्वारा बनाया गया है, वहाँ पर व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा में निजी शादी कार्यक्रम के चलते शहरवासियों और समाजसेवियों में नाराजगी है कि आखिर कैसे पालिका ने रैन बसेरे में विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। शहर के रहने वाले समाजसेवियों का कहना है कि पालिका के रैन बसेरों में सिर्फ अव्यवस्थाएं ही हैं और यह दुखद है कि रैन बसेरे में निजी विवाह कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पालिका को आवश्यक स्थानों पर बनाए गए रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन पालिका सिर्फ कागजी वाहवाही ही करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन की लापरवाही से रैन बसेरे कामयाब नहीं हो पाते और लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने पालिका प्रशासन से मांग की है कि रैन बसेरे में जो मूलभूत सुविधाएं निर्धारित है वह होनी चाहिए, तभी रैन बसेरों का सही उपयोग हो सकता है। ये बहुत दुखद है और नगर पालिका प्रशासन को जो भी आवश्यक जगह हैं, जैसे रोडवेज है और रेलवे स्टेशन के पास है और या और भी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पर समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि कागजी कार्रवाई करने से इसका कोई फ़ायदा नहीं है और गलत संदेश जाता है। पब्लिक जो ज़रूरतमंद है, जिसको वाकई रात में कहीं कोई बाहर से आया है, उसको पूरे इंतजाम मिलने चाहिए और तभी तो ठीक है, नहीं तो रैन बसेरे का क्या मतलब है। तो हमारा यही मानना है कि अगर रैन बसेरे बनाए गए हैं तो उसमें जो जो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी, वो सारी पूरी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये गलत है, अच्छा नहीं है, और इस पे तो DM साहब को भी तत्काल संज्ञान में लेते हुए और इस पे तुरंत डायरेक्शन देना चाहिए कि रैन बसेरों की हालत सुधारी जाए। और जो शादी की बात सुनने में आई है, ये तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि शादी ब्याह करने के लिए तो और भी बहुत सी जगह हैं, रैन बसेरे को या तो न बनाया जाता, अगर बनाया गया तो उसे रैन बसेरे की तरह ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब रैन बसेरे का मतलब क्या होता है कि सभी सुविधाएं होना चाहिए उसमें, तभी लोग रुक पाएंगे। सर्दी का मौसम है, गद्दा रजाई बेड वगैरह ये नहीं है तो वहाँ आदमी क्या करेगा सर्दी में। और रही बात है जैसे रैन बसेरे में शादी आदि के लिए, तो शादी वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग रुकेंगे रात में तो शादी में कहाँ रुक पाएंगे, तो ये तो बात गलत है ना। थोड़ी बसेरे अधिकतर पहले भी हमने देखे हैं, इतने कामयाब नहीं हैं, वो स्थानीय शासन जो जुम्मेवार व्यक्ति हैं, जो संस्थाएं जुम्मेवार हैं, उन्हीं की लापरवाही से कामयाब नहीं हो पाते। मतलब प्रचार तो बहुत होता है उनका, ढिंडोरा पीटा जाता है रैन बसेरा, और किसी दिन आप शाम को रात में जाइए तो उसमें कोई मिलता नहीं है, और मिलता इसलिए नहीं है कि उनमें सुविधाओं का अभाव है।
बहरहाल नगरपालिका के युवा अवधेश कुमार अपनी पीठ खुद थपथपा कर अच्छी व्यवस्थाओं का दम भर रहे हैं और पालिका के रैन बसेरों में सभी मूलभूत सुविधाएं होने की बात कह रहे हैं, लेकिन पालिका की कथनी और करनी यह है कि रैन बसेरे न केवल बदहाल हैं बल्कि लापरवाही के चलते लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बने हैं। महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट।